नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो मेरी मदद करना चाहती थी ना, मुझे एक नया रास्ता दिखा रही थी। बेवकूफ तो मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि जिंदगी में अब भी उम्मीद है आगे बढ़ने की, पर मैं भूल गई थी कि ये उम्मीद तो कई साल पहले ही टूट चुकी है। प्लीज माँ, ऐसा मत कहिए। जिंदगी में हर किसी को आगे बढ़ने का, अपने लिए कुछ करने का हक है, और उसके लिए ये उम्र या समय मायने नहीं रखता है। आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ, आपने मुझे कुछ करने भी नहीं थी। मान, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत अपसेट हो, पर बेटा भाभी माँ इस घर की बड़ी है। कई सालों से ये घर उनकी नियमों से ही चलता रहा है। अगर मेरे कुछ करने से उन्हें शांति मिलती है तो क्यों नहीं। लेकिन माँ, इस वक्त उनका फैसला गलत है। भूल जाओ बेटा सब कुछ, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। हेलो जी, मिसेस शर्मा, मैं लतास की ओनर बोल रही हूँ। जी आई एम सॉरी कि मैं इस वक्त फोन करके आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बात यह है कि मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। कुछ कारणों की वजह से ना मैं अपना काम ही बंद कर रही हूँ। आई एम सॉरी। तुम सब ठीक तो है ना, और ये सड़क के बीच में क्यों भाग रही हो? ऋषि, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने के लिए अभी टाइम नहीं, अब प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे उस गाड़ी का पीछा करना है। तुम इसके साथ कैसी? एक्चुअली भूमि मेरी बाइक से टकरा गई, इसे कहीं जल्दी पहुंचना था तो मैंने सिर्फ लिफ्ट दिया। मदद करने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। बड़ी माँ, वो मैं जो सफाई देनी है घर चल के देना। गाड़ी में बैठो। बताओ मान, क्या इसने तुम्हें बताया था कि ये अपने दोस्त के साथ हमारा पीछा कर रही है, और वो भी कैसा दोस्त?
जो कि एक पत्रकार है। नहीं बड़ी माँ, अब बताओ किस बिना पर हम तुम्हारा यकीन करें? नहीं बड़ी माँ, माफ कीजिए, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले सच का पता करना चाहती थी, फिर मैं अंश को बता देती। पर बड़ी माँ, ये तो सच है ना कि आप आज परेशानी में घर से बाहर निकली थी और आप किसी को पैसे देने जा रही थी और ड्राइवर से कहा था कि आज मैं टैक्सी से जाऊंगी? हाँ हाँ, हम परेशान थे, हम किसी को पैसे देने जा रहे थे और हमने उसे ये भी कहा था कि वो घर में किसी को भी फोन ना करे। अभी माँ बस बस कीजिए, आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। अभी माँ, हमें आपसे कुछ नहीं जानना है। नहीं, हम बताएंगे और जरूर बताएंगे, क्योंकि ये लड़की बहुत आसानी से हमारा नाम लेकर अपनी गंदी हरकत ढकने की कोशिश की है। तुझे सच जानना है ना, हम तुझे सच बताएंगे, पर पहली और आखिरी बार।